बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से पहला सिंध बलूचिस्तान अमन कप फुटबॉल टूर्नामेंट क्वेटा रेलवे ग्राउंड में शुरू हुए, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान से मजमूही तौर पर 100 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। आज का ये मैच क्वेटा और चमन के दरमियान खेला गया। चमन से आए टीम पाक अफगान के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करते हुए क्वेटा हजारा क्लब को 2 गोल से शिकस्त दिया। खिलाड़ियों का कहना है कि फुटबॉल क्वेटा और बलूचिस्तान के लोगों का पसंदीदा खेल है। इस तरह के टूर्नामेंट न सिर्फ नौजवान नस्ल को तफरीह फराहम करते हैं, बल्कि फुटबॉल के खेल के लिए नए टैलेंट का भी जरिया है। आज हमारा टीम ने बहुत अच्छा खेला है, पाक अफगान 2 गोल, काफ़ी मिसिंग भी किया है। हम लोग जो डिपार्टमेंट से खेले, क्यारल से हम लोग खेले। एक मेरा भाई महमूद खान है इंटरनेशनल, वो भी क्यारल से खेला है, गे से खेला है, शेराली है और शावली है, मुनीर अहमद है, ये जो सब जो है क्यारल से खेले। फिलिपाइन भी गए हम लोग, मलेशिया भी गए, सऊदी अरब भी गया हुआ है। सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट में शायकीन ने भी बड़ी तादाद में इन सनसनी खेज मुकाबलों से लुत्फ अंदोज होने फुटबॉल ग्राउंड का रुख करती हैं। सिंध बलूचिस्तान हमन कप फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैचेस 2 अगस्त को होंगे।